फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशु। स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग इन काशी में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चीनी का बूरा। तो इसके लिए हम लोग एक पैन में एक कप चीनी और आधा कप पानी डाल देंगे। आप किसी कटोरी वगैरह से मेजरिंग कर सकते हैं और उसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो चीनी छिपकने लगेगी। बस ये गल गया है अच्छे से, अब 2-3 मिनट हो गया है। चलिए चेक करते हैं चीनी को। देखिए अभी इसमें तार नहीं बन रहा है बिल्कुल, ये अभी नहीं बना है। 5-6 मिनट बाद ये थोड़ा कड़क लगने लगा है। चलिए देखिए चेक करते हैं इसको। देखिए इतना ही कड़क इसमें तार बनना चाहिए। देखिए बस ऐसा ही तार जब बनने लगे तो हम लोग की चीनी पक जाएगी। अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी, ताकि चीनी बिल्कुल सॉफ्ट रहे, हम लोग की तगार जो बने बिल्कुल सॉफ्ट बने। बस इसको लगातार चलाते हुए गैस से नीचे उतार करके इसको लगातार चलाते हुए ठंडा कर लेना है। देखिए ऐसे ही इसको चलाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बूरा बन के रेडी होगा। बस ये बन गया। आप इसको लड्डू में या पेड़े में किसी में यूज कर सकते हैं। तो हम एक गैस पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें मैंने 1 कप पानी डाल लिया है ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। पेड़ा बनाने के लिए हम लोग इसमें दूध डालेंगे। तो अब मैंने लिया है ये फुल क्रीम मिल्क, 2 लीटर मैंने यूज किया है। तो इन सबको हम लोग कढ़ाई में डाल देंगे और दूध को उबाल उबाल करके पकाना है। देखिए हाई फ्लेम पे, शुरुआत में हमको हाई फ्लेम पे दूध को पकाना है। बस यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही, शुरुआत में हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। बस देखिए मैंने 20 मिनट तक इसे पकाया है। देखिए थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, रबड़ी वाले फॉर्म में आ गया है। अब इस टाइम पे हमें गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेना है और इसको लगातार चलाते हुए सूखने तक पकाना है बिल्कुल ऐसे ही। और इस समय गैस हम लोग का मीडियम टू स्लो रहेगा, ज़्यादा तेज करेंगे तो जल सकता है हम लोग का मावा। अब हमको इसे अच्छे से पूरा ब्राउन होने तक भूनना है। ये अच्छे से भून चुका है तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर देसी घी और इसको चलाते हुए हम लोग ढक देंगे 15 मिनट के लिए और गैस के फ्लेम को ऑफ करके ढकेंगे। बाद देखिए हम लोग का मावा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है पेड़ा बनाने के लिए। अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा हल्का ही ठंडा होना चाहिए। अब हम लोग इसमें डालेंगे 7 से 8 कुटी हुई इलायची और ये चीनी का बूरा। मैं 4-5 चम्मच इसमें डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये 5 चम्मच इसमें ज़्यादा है, मुझे मीठा बहुत पसंद है तो मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें 2-3 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें पानी या दूध भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा शुष्क है तो इसको गीला करने के लिए। बस तो इसको अच्छे से दोनों हाथों में लेते हुए एक आकार देंगे। तो मैं यहाँ पे लंबे वाले पेड़ बना रही हूँ, देखिए बिल्कुल मथुरा स्टाइल में। अब हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चीनी का बूरा। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी आप इस पेड़े का भोग भगवान श्री कृष्ण को जरूर लगाएं। बस तो ये हो गया है रेडी, चलिए इससे प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए हम लोग का मथुरा का पेड़ा बन करके रेडी हो गया। इसको बनाने में 1 या 1.5 घंटा लग ही जाता है अगर मावा घर पे बनाएंगे तो, लेकिन ये घर का बना हुआ शुद्ध और बहुत ही टेस्टी पेड़ा बन करके रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, फिर आगे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।